आन पर मिट जाएंगे, सर को तो देंगे मगर सर को नहीं झुकाएंगे। दोस्त ठाकुर नौकरी नहीं करीबा है, मारे जो बिल लाएगा है। अब जाएंगे बनारस से बात, बनारस थाने में चौकीदारी करीब जाए। हाय दिली खनवा, हाय दिली खनवा, मामोरी ससुरार अदालत में भौरी। जी सर, ये थाने में तुम्हारा गाना बजाना क्या हो रहा है? सर ऐसा है, आप जब थाने में नहीं होते हो तो मैं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मनोज क्या करता हूँ। सिपाही है जितने थाने में कौन होते बिल्कुल रेडी। अस्पताल की सफाई हो गई, ये साले थाने की कुर्सियां बेच देते हो, पट्टी खा जाते तेरी माँ को जो दो। जी सर, चौकी साहब तो छुट्टी पे गए लखनऊ। हाँ ये तो सच कहते, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता क्यों यार, आए थे फिर चले गए। अरे वह बात है, तो ऐसा करो हाँ। तुमको कुछ गाना बजाना आता है? हाँ क्या बात, क्या दीवान जी है? दीवान जी अबे केवलदार बोला करो, कौनी हो नाल देख रहे हो, गांड में डाल के दाग दूंगा तेरी मैया का। चौदह मेरा नाम नहीं जानते हो? नाम नहीं सो जानते? मेरा नाम है राकेश। अच्छा राकेश पुलिस वाला? अबे हाँ माधव चोर, चलो आगे बढ़ो। तुमको मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ, तुमको गाना बजाना कुछ आता है? अरे गाना बजाना खूब आता है साहब। तो जब तक साहब नहीं है तब तक ऐसा करो, तुम्हारा नाम हम नहीं पूछेंगे, वो साहब भी पूछेंगे। अच्छा ठीक, तुम्हारे कान पे चार डंडा भी लगाएंगे, समझ गए? बैठो साहब फिर सबका सुनाइए। तुम आला सुना दे, हैं आला सुना, आला ना सुनो तो बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो। ओ जब से सिपाही से, ओ जब से सिपाही से हाय भैले हवलदार हो, भैले थानेदार हो, न दुनिया पे गोली मार था, था, था। Oh,
चौदह माधर चोर पूरे चौकीदार यहाँ छुट्टी पर गए हैं ड्यूटी गए तला थाने में चोर करो कुछ क्या करे चौकीदार ये थाना है कोई तवायब थाना नहीं है बनाए साले हिजड़ों की फौज घूम रहे हो तुम लोगों की साले भर्ती हिजड़ों की फौज में करवा देते हैं यार हम मन ने मरवायो मन ने नहीं कहा था साहब चौकीदार चौकीदार और भल्लू हवलदार ये समझ लो साले ख्याल खींच लूंगा अभी सबके सब साले सस्पेंड हो जाओगे बीवी बच्चे सब लोग भूखे मर जाएंगे इस थाने का होलिया बना रखा है इस सरकार ने तुम्हें वर्दी किसने दिया है देश की रक्षा करने के लिए और तुम साले कहिए सर कितने दिन से ड्यूटी करते हो साहब हो ही गया इनका आलम समा अरे रुकाओ तो पहले कुंडली देख ले क्या साले कुंडली देखोगे हमारे उम्र 95 साल 95 साल की तुम्हारी उम्र है हाँ और ड्यूटी कितने दिन से करते हो ड्यूटी 45 साल थी तेरी मैया क्या करते थे ड्यूटी तो साले ड्यूटी का नाम पहले लिया करो जब बाबा मर गए तब हम पप्पा करा लो क्या करने लगे रे फिर साले तो भाई अच्छा जब पप्पा मर गए तब हम करा लगे ड्यूटी फिर साले भाई सामने आओ इधर इसके बतरा तुम इस थाने के पुराने मुलाजिम हो जी सर और साथ तुम्हें नहीं मालूम चौकीदार कि चांदपुर इस चांदपुर थाने में पहली बार ड्यूटी पर तैनात हुआ हूँ और अभी हमारे नाम से काम से वाकिफ नहीं हो इस दिन वाकिफ हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वीर सिंह क्या चीज है चौकीदार और शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ड्यूटी कायदे से लगाना आज के बाद कोई मनोरंजन थाने के अंदर नहीं होगा मनोरंजन जब होगा या तो कोई 15 अगस्त या 2 अक्टूबर या 26 जनवरी के दिन समझ गए चौकीदार जाओ नंबर 6 का की जीडी फाइल कराओ साहेब बंदर फट डाली साहेब बंदर उठाए ले गोर है ऊपर कहीं धर लीजिए साहेब एक हमारी कॉलोनी लिख लो चौकीदार और दीवान जी डाकू का नाम लेते हो तुम लोग साले भाग खड़े हुए डाकू थाने के अंदर आ जाएंगे क्यों तुम साले इतना डरे हुए हो चौकीदार और दीवान जी मेरी बात ध्यान से सुनो
डाकू तूफान सिंह का चारों तरफ से आतंक फैला हुआ है और आज तक आपका पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट नहीं कर सका। और मैं चाहता हूं अगर आप लोगों के साथ मुझे मिलेगा तो मैं वादे के साथ कहता हूं किसी ना किसी दिन डाकू तूफान सिंह सलाखों के अंदर समझ गए, सुन ले मेरी बात। और घर उच्च रैयत पे डाकुओं का चौकीदार, और गरज रही पे डाकुओं का, और हमेशा चोरों चोरों रहेगा। तो गरज रही पे डाकुओं का, और हमेशा चोरों जुल्म रहेगा। और जिले में कोहरा और जाएगा मची चौकीदार, और जिले में कोहरा और जाएगा मची, और पुलिस के नाकों में डर रहेगा। गिरफ्तार हुआ न डाकू और शर्म से शरीर थम रहेगा। दो पर्चे गिरफ्तार हुआ न डाकू और शर्म से शरीर थम रहेगा। और जिले में कोहरा और जाएगा मची, और जिले में कोहरा और जाएगा मची, हर पुलिस के नाके में दम रहेगा। चौकीदार और दीवान जी, डाकू तूफान सिंह, भैरव सिंह, मंगल सिंह और पहाड़िया, इनका चारों तरफ से आतंक फैला हुआ है और आज तक इन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। चौकीदार तो डाकू तूफान और तहलक मचाए हुए डाकू तूफान, उच्च मचाए हुए नाम से जमी आसमान जाती सारी, और पुलिस पोस्ट की डाल को हाथ में हाथ कड़ी पे डाल को हाथ तो डाक तूफान के लड़कर के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और बनावो उसे जिंदा मुर्दा गिरफ्तार उसको करो। चौकीदार और दीवान साहब क्या बात है, तो आप चिंता ना करिए सर, और किसी बात की आप चिंता फर्ज अपना निभाना है आता मुझे, चूक सकता नहीं और निशाना मेरा खूब आता मुझे गो चलाना। चौकीदार और दीवान जी, शायद तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि काफी दिन से जो लॉकअप के अंदर श्यामू नाम का मुलजिम बंद है, जाओ उसे लेकर आओ। श्यामू जी साहब, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें यहाँ लॉकअप से किसने बुलाया है, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए मुझे नहीं मालूम। देखिए आज तुम्हारी रिहाई है और तुम्हारे 20 साल पूरे हो चुके हैं जी साहब, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, आज तुम्हारी रिहाई का दिन है, यहाँ से छुटकर सीधे अपने घर जाओगे जी साहब, बच्चों से मुलाकात करोगे ठीक है साहब। लेकिन साहब एक बात हमें यह बताओ, आखिर तुम इतना मजबूर क्यों हो गए जो तुम अमर सिंह का मर्डर कर दिया। अब क्या बताया साहब, अमर सिंह मर्डर केस की फाइल हमने जब देखा
तो हमने सोचा कि कितनी आसानी से उसने इनका कत्ल किया होगा, आखिर कौन सी तुम्हारे पास मजबूरी थी ये बताओ। साहब आपसे आज कुछ नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। क्या वक्त आने पर हमें बताओगे? लेकिन श्यामू ये मत भूलो, अगर मैं चाहता तो तुम्हारा एनकाउंटर भी कर सकता था और तुम्हारे सिरे में छेके छुतार, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि सरकार तुम्हें 20 साल की सजा सुना चुका है और आज तुम्हारी सजाएं पूरी हो गई है, आज तुम्हारी रिहाई का दिन है। शायद तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि ठाकुर अमर सिंह हमारे गांव थे। जाना चाहते हो? जाना चाहते हो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सर यह मुझे नहीं मालूम है कि वो आपके कौन थे। ठाकुर अमर सिंह हमारे बड़े बाप थे। हाँ आपके बड़े बाप थे? हमारे बड़े बाप थे। लेकिन सब मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें नहीं मालूम था लेकिन अब तो तुम्हें मालूम हो गया। अब मालूम हो गया। ठीक है श्यामू, तुम अपने घर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करो। ठीक है साहब। दीवान जी कायदे से समझा दो ताकि दोबारा ऐसा काम मत करे, दोबारा मजबूर होना पड़े। जी साहब जरूर समझाने का। श्यामू बड़े आगे बढ़ो। देखो ऐसा करना, 20 साल की सजा तो काट चुके हो जी, अब जाना अपने घर को, पहले एक लोहार को मिले। वो क्या करेगा? एक छोटा सा मिलना होगा, कट्टा बनवा लेना। अच्छा लोहार से कट्टा बनवा लेंगे, क्योंकि बिगड़ हो गया घर हो रहा होगा। ठीक है, और बस एक चौराहे पर बैठ लेना, देखो जो बढ़िया भट 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 आ रहा हो। ठीक है, आगे तार साले को बांध दो, गर्म से गिरेगा, जब तक उठेगा तब सब जेब झाड़ लो, निकल लो। जाओ किसी लोहार को मिल लेना, एक बांका बनवा लेना, एक हसिया बनवा लेना, एक फलसा बनवा लेना, अपना चारपाई बनाओ, काट के बांका से लकड़ी और फलसा से चारा काटो। तुम साले बातें बहुत बना लेते हो, लोहार को मिलो और 315 बोर का तमंचा बनवाओ, उसके बाद में राजनीति करो। और ये गरीब इंसान दोबारा फिर जेल के अंदर आ जाया, 20 साल के बाद जा रहा है घर अपने, हाँ यही समझा रहे हो? श्यामू माली तुम इसकी बातों में मत आना, तुम जाओ एक शराफत की जिंदगी जियो। अरे नहीं साहब मैं इतना, तुम कुछ ना करो, एक डाला किराओ कर लो, रात में धर्म निकल लो, भैंसी पड़वा छोड़ो, बाजारा करो। उरे चौकीदार इसके तो काउंटर कर देते कहीं जंगल। अरे दीवान जी तुम्हारे कहने का मतलब कि इसका हम इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन शायद तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इसकी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है। हाँ अगर मैं चाहता तो इसका एनकाउंटर कर भी सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने 20 साल की सजा दे चुका है और आज की सजा पूरी हो गई है, आज वो अपने घर जा रहा है। दीवान जी पीछे बढ़ाओ पैगाम और जितना भी फोर्स अपने साथ में है सब तैयार करो। चौकीदार कहाँ साले मर गए हो? चौकीदार गाड़ी तैयार करो, सब जितना फोर्स है सब बैठो उसमें और चलो हमारे साथ पहाड़ी के पास जहाँ पर वो डाकू तूफान सिंह और मंगल सिंह भैरव सिंह छिपा हुआ है। बड़ा पैगाम आइए जमीन पर तो भूचाल आता है, उठाता हूँ हाथ में खंजर तो आसमान। क्या बताऊं दोस्तों, अभी तक ना तो कोई अड्डे पर साथी दिखाई पड़ता है और ना तो पहाड़िया, ना जाने आज पहाड़िया भी कहां मर गया साला।
तक अपने पहाड़िया साथी का इंतजार करना चाहिए उसके बाद काटा बना जंगल में डंका पड़ता तूफान डाल तो चिस्पन नजर बर्बाद करके छोड़ दू देख लू करता न तो लूट करके मेरे दोस्त भैरव सिंह इस समय पहाड़ी कहाँ है दोस्त तूफान सिंह अरे जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान तू बिगामा गन्ना देव ढाई बिगामा धान उल्लू के पट्टे ये कौन सी बात रही जंगल में रहते हो और गन्ने और धान की बात करते हो ये चम्मल के अंदर नहीं ये बात गुनाहों में होती है जय जय डाकुओं के गैंग के अंदर अरे शेर गुर्राई अरे शेर गुर्राई तो मोछे उखा लू अरे शेर गुर्राई तो मोछे उखा लू धरती में लात मारू तो मुसावा निकाल लू उल्लू के पट्टे पर वही बात ऐसे नहीं कहा जाता है ये सारे बातें तेरी गलत है हम तुमसे कुछ खास जानकारी लेना चाहते हैं क्या किस इलाके के अंदर बहुत कुछ हो रहा है पहाड़िया मेरे तुम से पर करना कोई नमककार है क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो आपकी बात पर सरदार तूफान सिंह सारा मेरी बात को बोलो आपके नाम से और वहां है चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ये ऐलान है जिंदा मुर्दा पकड़ लाओ वास्ते रखा 50,000 का नाम लेना पुलिस का अब दोबारा नहीं अरे अब दोबारा नहीं पुलिस से सख्त होती है ना अपराध मुझे सामने पे मेरे कर जाए पुलिस जाना उसे यार सरदार जी कचल तक कर न कोई और किसी बात की पुलिस वाले हमारा बिगाड़ेंगे क्या चल के संसार में सोर छाएंगे हम सबके गोली चला मेरे दोस्त भैरव सिंह हम जानते हैं कि जब जब तक मेरे साथ हो इस चम्मल के अंदर मेरा पाल पाका नहीं कर सकता क्या तुम जानते हो चम्मल में आने वाले के निशान मिलते हैं और जहां से जाने वाले के इसलिए मेरी बात को जरा गौर से सुनो दोस्त तो हमारे ग्रह का वो तो पता अरे पाना भी मुझ मुश्किल है अगर ये कोई
गर्व से हर जा रहा। दोस्त फैसिक तुम्हें तो दोस्त फैसिक तुम्हें तो मालूम है जंगल आने वाले के निशान मिलते हैं, जाने वाले के निशान नहीं मिलते हैं। सरदार जी मुझे मालूम पड़ता है सामने से वो गाड़ी पुलिस की आ रही है, किसने चंबल घाटी को छोड़ो आगे दरिया को फांद करके चम शायद कहते हो इंस्पेक्टर, तो मेरी बात को गौर से सुन ले, जब तूफान को पकड़ना आसान नहीं तो कौन हरे तकाबाद अरियार सामने तूफान का सामने से मेरे आना बेकार है, मौत मंडरा रही है।